फैसलाबाद की मवेशी मंडी में मुल्तान से लाए गए गोलू और मोलू नामी बैलों की जोड़ी के खूब चर्चे हैं। तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की न्यामोआना मवेशी मंडी में यूं तो बहुत से खूबसूरत नस्ली और ऊंचे लंबे जानवर जो हैं वो फरोख्त के लिए लाए गए हैं, जो खरीदारों की शहरियों की तोज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है तो मंडी में रश भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर खूबसूरती की नफासत की बात की जाए तो गोलू और मोलू नाम के जो दो बैलों की जोड़ी मंडी में फरोख्त के लिए लाई गई है, पूरी मंडी में इनका सानी नहीं मिलता। और इनका जो वज़न इनके मुताबिक जो बताया जा रहा है वो तकरीबन 14 से 15 मन बताया जा रहा है, और जो इसकी डिमांड की जा रही है वो 12 लाख की जा रही है। इनके मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा सर, बताइएगा इनकी नस्ल क्या है, खुराक क्या है और क्या डिमांड है आपकी? डिमांड इसकी 12 लाख रुपया है। खुराक इसकी छोला दाना, छोला कसूरी होती है वो, खीर दही वगैरह लस्सी में बढ़ा देते हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह की ताकतवर और जो महंगी जो गजाएं हैं वो इनको दी जाती है, जिसकी वजह से इसकी कीमत खासी ज़्यादा है। तो इसे ख़रीदने के ख्वाहिशमंद तो काफ़ी जो हजरात दिखाई देते हैं, लेकिन कीमत ज़्यादा होने की वजह से कुछ जो शहरियों की खरीदारों की जो दिल की तमन्नाएँ हैं वो दिल में ही रह जाती हैं, लेकिन इनके मालिक की जानिब से ये ख्वाहिश जाहिर की जा रही है कि जो कोई ऐसा गाहक आएगा जो इनकी कीमत इनके मुताबिक अदा करेगा और इनके खूबसूरत जानवर अपने साथ ले जाएगा।